चित्रांश कर्ण में आपका स्वागत है। हम आज मैगजीन टू की एक्सरसाइज नंबर टू हम बोलने चल रहे हैं। ये 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन होगी। इसको आपको एकांत में बैठ करके कॉपी पेंसिल से आउटलाइन बनानी है, और अगर आउटलाइन आपकी छूट जाती है तो उसको बाद में उस वर्ड की आउटलाइन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो अगर आप लिखने में सक्षम नहीं है उस 80 की स्पीड पर, तो आप इसको पहले से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। तो और हमारी तरफ से जितने भी आप पैराग्राफ की डिक्टेशन लिखते हैं, उसको 5 से 6 बार ज़रूर प्रैक्टिस करें, उसके बाद लिखने की कोशिश करें। तो चलिए अब हम डिक्टेशन लिखते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत में बहुत से गरीब लोग हैं, परंतु यहाँ पर शिक्षित और मुखर, जैसा कि मैंने देखा है, एक उभरता हुआ मध्य वर्ग भी है, जो न केवल तकनीकी कौशल और बौद्धिक योग्यता वाले उत्कृष्ट मानव संसाधन पूल में से एक हैं, अपितु साथ ही साथ विश्व के बड़े बाजारों में से एक है। लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों को यह उभरता हुआ मध्यम वर्ग संख्या में नाफ्टा और यूरोपीय संघ की जनसंख्या के योग के बराबर है। हमारे देश के लोग तेजी से आर्थिक विकास चाहते हैं, और भारत सरकार उन्हें इस योग्य बनाने के प्रति वचनबद्ध है। वर्तमान सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति हमारी पिछली नीतियों का प्रतिपाद्य न होकर उनकी तर्कसंगत पराकाष्ठा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम 4 दशकों के दौरान मूल उद्योगों और आधारित संरचनात्मक विकास पर दिए गए बल ने आज भारतीय उद्योग को इस योग्य बना दिया है कि वह समान स्तर पर विश्व का सामना कर सके। बिजली, सिंचाई, इस्पात और सीमेंट जैसे आधारिक संरचनात्मक उद्योगों की वृद्धि के लिए तथा सड़क और दूरसंचार एवं शिक्षण संस्थाओं का जाल बिछाने हेतु अपने संसाधन पहुंचाने के लिए पूरी सामर्थ्य के साथ स्वयं को तैयार करके और अपेक्षित त्याग करके हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम विश्व उद्योगों में प्रवेश करने के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए और विश्व बाजार में अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने हेतु पूरी तरह तैयार हैं। वर्तमान नीति भारतीयों और भारतीय उद्योगों की परिपक्वता और जिस विश्व में हम रहते हैं उसकी आर्थिक वास्तविकताओं की पहचान है। विकासशील देशों में गरीबी की चुनौती का सामना करने के लिए उद्योगों का विस्तार करना अत्यंत आवश्यक है, परंतु इस विकास के लिए हमें ऐसे मार्ग पर कदापि नहीं चलना है जिसके पर्यावरण को काफी खतरा उत्पन्न हो जाए और भारी सामाजिक हानि हो। जैसा कि औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में देखा गया है, उदाहरण के लिए भारत में आज 80,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन
किया जाता है जो बढ़ाकर 500,000 मेगावाट तक करना होगा और बहुत जल्दी ऐसा ही होगा। यह निश्चित है कि हम पिछली कार्य पद्धतियों को अपनाकर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम इसे अपनाते तो आप सबको इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मास्क पहनकर आना पड़ेगा। इसको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट कर लें, फिर उसके बाद मैच करें, और अगर कोई ऑनलाइन छूट गई है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर बना सकते हैं तो आप बना करके उसको 5 बार प्रैक्टिस जरूर करें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग में विजिट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।